हेलो बच्चों, हम रिफ्लेक्शन चैप्टर कर रहे थे। रिफ्लेक्शन के अंदर हम व्हाट इज रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, बेसिक टर्म पढ़ चुके थे। इसके अंदर हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम टॉपिक कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर। गॉट इट? स्फेरिकल मिरर क्या होता है वो समझने से पहले आप इन दोनों फिगर को देखें। आप देखिए बच्चों, इस तरह से ये हमने कोई एक बड़ा ग्लास का एक स्फीयर ले लिया, एक शीशे का बना हुआ ग्लास का बना हुआ एक सफियर ले लिया, उसके एक पार्ट को हमने कट कर दिया। मान लो कि इसमें से एक पार्ट को कट कर दे तो इस तरह से पार्ट आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इस पार्ट को, हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो इसको हम बाहर से पॉलिश कर सकते थे या इसको अंदर से पॉलिश कर सकते थे। हमने इस केस में देखो अंदर से पॉलिश किया और इस वाले केस में हमने बाहर से पॉलिश किया। बस ये डायग्राम है, ये थोड़ा उल्टा बना के ऐसे बना के दिखाया हुआ, अदरवाइज ये दोनों सेम चीज है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। हमने बाहर से पॉलिश कर रखा है, इस केस के अंदर पॉलिश अंदर से है। जो ये सिल्वर सा सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। गॉट इट? तो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस केस के लिए बाहर से है, इसमें अंदर से है। दोनों के अंदर रिफ्लेक्शन देखा जाए तो किसी एक कर्व सरफेस में से हो रही है, और वो कर्व सरफेस एक्चुअली में क्या था, किसी बड़े एक होलो स्फीयर का पार्ट था जिसमें हमने एक साइड को पॉलिश किया। गॉट इट? या तो हमने अंदर से पॉलिश किया या बाहर से किया। तो इस तरह से जो कर्व सरफेस बन जाते हैं, इन तरह के कर्व सरफेस को बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की यह डेफिनेशन होती है कि स्फेरिकल मिरर वह मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट है किसी होलो स्फीयर ऑफ ग्लास का। गॉट इट? स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए होलोस्फीयर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी होलोस्फीयर का पार्ट होगा। बच्चों हम देख रहे हैं स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, एक ये और एक ये। गॉट इट? सॉरी बच्चों, इस तरह के मिरर को बोलते हैं कंकेव मिरर। मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं किस तरह से इसको याद रखना है। आप देखिए बच्चों, इसके नाम में आ रहा है केव। अगर जो रिफ्लेक्शन है वो केव की साइड हो, केव मतलब गुफा। Got it? अगर रिफ्लेक्शन केव की साइड से हो तो कनकेव मिरर, अदरवाइज अगर रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ से हो तो उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। Got it? इसको एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक सीधी कटोरी की तरह बन गया और कनकेव के अंदर 7 अल्फाबेट आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सीधी कटोरी के अंदर हमेशा ज्यादा चीज जाती है, तो लाइट जब ऐसे जा रही हो तो हम बोलेंगे मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर। और लाइट जब बाहर से आ रही हो तो ये उल्टी कटोरी बनी हुई है बच्चों, इसके अंदर कम चीज जाती है। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। आइए अब हम इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है और कंकेव मिरर क्या होता है। पहले कंकेव मिरर को देखते हैं। कंकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर होता है जिसके अंदर बल्ज आउट सरफेस को सिल्वर पेंट कर, बल्ज आउट सरफेस सिल्वर और पॉलिश किया जाता है, और रिफ्लेक्शन जो होती है वो कहां से होती है, वो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर होलो सरफेस। गॉट इट? मैं एक बार रिपीट करता हूं। ये देखिए, इसके अंदर ये जो है ये कन्वेक्स कंकेव सरफेस है, इसमें जो बाहर वाली साइड है इसको तो अपने सिल्वर पॉलिश कर दिया, और जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो कहां से हो रही है, अंदर वाले सरफेस। गॉट इट? पहले वाले फिगर में आप कंफ्यूज मत होना, इसमें जो सिल्वर कलर था ये एक्चुअली ये दिखा रहे थे कि यहां पे लाइट जा रही है, इमेज बन रही है, पॉलिश बाहर से, तो सिल्वर वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना बच्चों। वैसे तो इस डायग्राम के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक यह है कि इधर अंदर सिल्वर नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि आप किसी चीज की जो बैक साइड करते हैं उसको सिल्वर पॉलिश करते हैं। बट फिर भी कोई बात नहीं, ये एक्चुअली में फिगर के अंदर ट्रांसपेरेंट टाइप में दिखाया गया, जैसे हम मिरर में देखते हैं ना व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, वो दिखाया गया। गॉट इट? अदरवाइज जो इसकी बाहर वाली सरफेस है वो हमने सिल्वर पॉलिश करी है। तो अपने को समझ आ गया कंकेव मिरर क्या होता है, जिसके अंदर बाहर वाली सरफेस को हम सिल्वर पॉलिश कर दें और अंदर से लाइट जाके रिफ्लेक्ट हो जाए। और बच्चों इसका उल्टा कन्वेक्स मिरर अब आप अपने आप कर सकते हो। कन्वेक्स मिरर वो स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें इनर होलो सरफेस को हम सिल्वर करें। गॉट इट? यहां देखो, अगर इनर से हम होलो सिल्वर करेंगे तो रिफ्लेक्शन कहां से होगी, बाहर से। तो उस केस में ये जो होगा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। आई थिंक आपको यह समझ आ गया बच्चों, दोनों की डेफिनेशन आप पढ़ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, ये पूरा हमारे पास कोई भी एक स्फेरिकल मिरर था,
ये किसी एक यहां से हमने इसको पॉलिश कर रखा था, गॉट इट। ये पॉलिश हम इस तरह लाइन लाइन लगा के पॉलिश कर सकते हैं इसको, इसका मतलब होता है कि पॉलिश कर रखा है। इसमें तो ये सरफेस है, ये वाला सरफेस तो है पॉलिश सरफेस, और ये सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां से रिफ्लेक्शन होगी। अब बच्चों इसको हम अगर पूरा स्फीयर बनाना चाहें इस तरह से भाई कि किस स्फीयर का पार्ट था वो देखना चाहें, तो हम डैश डैश से बना सकते हैं, जो कि बच्चों हमने इस फिगर के अंदर बनाया हुआ है। अब हम इस फिगर के अंदर से क्या देखेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट की टर्मिनोलॉजी देखेंगे, हर पॉइंट को बोलते क्या है, गॉट इट। हम पी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पी पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, बहुत कम बच्चे जानते हैं इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। ये वर्टेक्स जो होता है ये पूरे मिरर का, मिरर जो है बच्चों वो ए से लेके बी तक है, और जो हमने डैश डैश से बनाया है वो ये बनाया है कि मिरर किस बड़े स्फीयर का पार्ट था जिसका हमने एक पीस लेके उसको पॉलिश कर दिया। तो अभी अपने को पोल पे चलना है, गॉट इट। पोल जो है वो मिडल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर होता है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पोल के बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये पूरा का पूरा जो स्फीयर बन गया था इसका जो इमेजिनरी सेंटर था। दोबारा सुनो, हमने इस तरह से ये एक मिरर लिया, अगर हम इस मिरर को कंप्लीट कर देते कि भाई ये किस होलो स्फीयर का पार्ट था, क्योंकि हमें पता है ना कि हमने पूरा एक ग्लास का स्फीयर लिया था, उसका एक पार्ट कट करके उसको पॉलिश किया था, तो उस पूरे पॉलिश करे हुए सरफेस को अगर हम दोबारा से बनाते, इमेजिन करते कि ये किस होलो स्फीयर का पार्ट है, ये वाला जो मिरर है ये किसका पार्ट है, मतलब ए से बी वाला जो है, ए से बी जो जितनी चीज है वो इस पूरे बड़े होलोस्फीयर का पार्ट था, तो उस होलोस्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गॉट इट। एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, इट इज द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर, ये होलोस्फीयर का सेंटर है, और कौन सा होलोस्फीयर, ऑफ ग्लास, ग्लास का बना हुआ, ऑफ विच, जिसका कि मिरर एक पार्ट था, मिरर इज ए पार्ट, ये मिरर जिस होलोस्फीयर का पार्ट था उस होलोस्फीयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। गॉट इट। नेक्स्ट आता है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ होलोस्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ये मिरर जिस होलोस्फीयर का एक पार्ट था उस होलोस्फीयर की रेडियस को, ये हम इमेजिन कर रहे हैं बच्चों। हम हमारे पास मिरर तो ए से लेके बी तक है, हमने इमेजिन कर लिया कि एक किस पूरे एक बड़े गोले का, बड़े स्फीयर का पार्ट होता, उस स्फीयर की रेडियस का नाम होता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। गॉट इट। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन है, ये रेडियस होती है होलोस्फीयर ऑफ ग्लास की, जिसका कि मिरर एक पार्ट था। बच्चों इसको जनरली हम आर से लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से लिखते थे। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों वो स्ट्रेट लाइन, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, जो पास करती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब जो लाइन इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करे उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। गॉट इट। जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लीजिए, PRINCIPAL एक्सिस, PLE वाला नहीं आएगा, ये वो प्रिंसिपल आएगा जो हमारे स्कूल्स में टीचर, जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, ये वो वाला प्रिंसिपल की स्पेलिंग आएगी। गॉट इट। तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन आ गई। अब हम देखते हैं लीनियर एपर्चर। लीनियर एपर्चर होता है बच्चों इफेक्टिव डायमीटर। ये जो ए से बी है ना, ये हमारे पास मिरर का डायमीटर नहीं है, बट इसको हम इफेक्टिव डायमीटर बोल देते हैं। जैसे कि इसका हम यूज करते हैं कि इसको रखने के लिए कितनी लेंथ चाहिए, जैसे ये मार्कर है, इसको रखने के लिए हमें इतनी लेंथ चाहिए, ऐसे ये मिरर को रखने के लिए हमें कितना लेंथ का बॉक्स चाहिए, उसको हम बोलते हैं लीनियर एपर्चर। अभी आपको इतनी डीप तक नहीं जाना, बस इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। गॉट इट। इसकी डेफिनेशन है, ये इफेक्टिव डायमीटर होता है सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो सर्कुलर बाउंड्रीज हैं, इनका जो इफेक्टिव डायमीटर होता है उसको बोलते हैं हम लीनियर एपर्चर। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है एंगुलर एपर्चर। एंगुलर एपर्चर होता है बच्चों इस तरह से, ये जो एंगल बन रहा है, मतलब कि अगर ये हमारे पास मिरर था तो ये सेंटर के ऊपर ये कितना एंगल बनाता, मतलब कितने एंगल, 60 डिग्री, 120 डिग्री, कितने एंगल के अंदर ये पूरा पूरे का खात्मा होगा। गॉट इट। ये स्फेरिकल मिरर सेंटर पे ये जो टोटल एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एपर्चर। इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर।
एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि जो ये बाउंड्रीज है, मतलब ये कॉर्नर है, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगुलर एपर्चर। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है बच्चों प्रिंसिपल फोकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बच्चों? कोई भी नैरो बीम ऑफ लाइट आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से समझो, पहली बात तो ये बीच वाली एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने दोनों केसेस को अलग अलग ले लिया। हमने बच्चों यहां पर जो लिया है, यहां पर ले लिया कनकेव मिरर का केस। मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, देखिए इस तरह से जो लाइट है वो गुफा में जा रही है, केव में जा रही है, तो हम बोलते हैं ये कनकेव मिरर का केस है। इसमें जो लाइट है वो कहां जा रही है, ये लाइट रेस बाहर की तरफ जा रही है, मतलब कन्वेक्स सरफेस की ओर जा रही है। तो अपने को बच्चों ये बात समझ आ गई कि हमने दोनों अलग अलग मिरर का केस ले लिया। एक तो हमने ले लिया कनकेव मिरर का केस और एक कन्वेक्स मिरर का। इसकी क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? जब भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है, दोबारा सुनो, कनकेव मिरर के ऊपर जब भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस। और बच्चों इस मिरर में क्या खेल होता है, इसके अंदर जिस तरह ही लाइट आती है ये डाइवर्ज हो जाती है, बाहर की तरफ चली जाती है, तो कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इस तरह बच्चों सबकी आईज में, सबकी आंख में अगर ये लाइट जाती है तो इसको जब हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे की सारी लाइट यहां से आ रही है, तो इस पॉइंट से ये आती हुई अपीयर होती है, तो इस पॉइंट का नाम क्या होता है, फोकस। मैं एक बार ही ये दोनों बातों को आराम से आपको दोबारा बता रहा हूं। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और वो लाइट ऑफ बीम कहां से, बीम का मतलब काफी सारी रेज को बोलते हैं, मैं एक बार और इजीली कर देता हूं कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आके किसी पॉइंट पे मीट हो रही हो उसको बोलते हैं फोकस। ये दूसरी डेफिनेशन है, पैरेलल रेज आ रही हो और किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही हो तो उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। यहां से रेस आती हुई अपीयर होगी, क्योंकि देखो बच्चों सामने जो भी जिसकी भी आई हमने बना दी, किसी की आंख बना दी, उसकी आंख में जब ये रेस जा रही होगी तो ये कहां से आ रहा होगा उसको लग रहा है वो पीछे से आ रही है। ऐसे ही कोई यहां से देख रहा हो ये रेस कहां से आ रही होगी उसको लग रहा पीछे से आ रही है, तो सारी रेस इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होती है। ये डेफिनेशन भी बनती है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस की। तो इसीलिए प्रिंसिपल फोकस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आइदर एक्चुअली कन्वर्ज, या तो सच में कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्ज मतलब मिलना, टू और अपीयर टू डाइवर्ज, और ऐसा लगता है जैसे कि किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हो, फैल रही है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और जो ये घटना होती है कहां होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। देखो बीच वाली जो एक्सिस उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो अपने को फोकस की डेफिनेशन समझ आ गई बच्चों। जो फोकस है वो दो पॉइंट को बोलते हैं, गोट इट, या तो पहला पॉइंट वो जहां पे सारी की सारी वेव्स पैरेलल आ रही हो और कन्वर्ज हो जाए, गोट इट, या दूसरा पॉइंट जहां पर सारी की सारी वेव्स अपने को अपीयर हो कि वहां से आ रही। अगर सच में ये रेस मीट करेगी तो इसको बोलेंगे हम रियल फोकस, और अगर अपीयर होंगी तो इसको बोलेंगे वर्चुअल फोकस। आई थिंक आपको प्रिंसिपल फोकस समझ आ गया। अब हम बात करते हैं बच्चों, जो प्रिंसिपल फोकस कहीं पे भी होता है, फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। इसका हम बारी बारी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज करेंगे जिसकी वजह से आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। फिर भी एक बार डेफिनेशन देखिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। इसको बच्चों जनरली स्मॉल एफ से लिखते हैं, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं फोकल लेंथ को, मतलब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को स्मॉल एफ से लिखा जाता है। फोकस जो पॉइंट है इस पॉइंट को कैपिटल एफ से लिखा जाता है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एक लास्ट रिलेशन क्या है जो कि फोकल लेंथ ऑफ रेड और रेडियस ऑफ कर्वेचर में है। आप ध्यान से देखिए, यहां पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं से भी लिया जा सकता है, जैसे कि ये पोल है, मान के चलो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मैंने दो पॉइंट ले लिए, गॉट इट, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है? यस ये भी है, क्योंकि रेडियस तो एक स्फीयर की बहुत सारी हो सकती है,
लेकिन अब अगर हम देखें जनरली मैं इसकी बात करूं ओनली इस रेडियस की, जो कि इस फिगर में अभी मैंने लिख नहीं रखी, मैंने इसको यहां पर ये मेंशन कर दिया, जो ये जो रेडियस है पूरी पी से लेकर सी तक, ये क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका हाफ डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, क्योंकि पी से एफ तक फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ का रेडियस से ये रिलेशन होता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई थिंक सो बच्चों आपको यह भी समझ आ चुका होगा। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। इसके बाद हम इमेजेस बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए भी अपने को एक वीडियो के अंदर रूल समझने होंगे कि किस तरह से हम इमेजेस को बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।